नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूँगा कि हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान में खनिज। दोस्तों, राजस्थान को खनिजों के अजायब घर इस प्रकार संज्ञा दी गई है और निश्चित तौर पर यहाँ पर राज्य की खनिज नीति 2015 के अनुसार 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, और दोस्तों, राजस्थान में खनिज प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और किस प्रकार इसमें कौन कौन से माइंस हैं, इस प्रकार हम देखेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी साइकोलॉजी के वीडियो जो भी रीड के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और संस्कृत भाषा रीड के लिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के रूप में हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। निश्चित तौर पर अभी तक आपने नहीं देखे तो गुजारिश करूंगा कि हमारी रीड की प्लेलिस्ट में स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल पर जाकर आप निश्चित तौर पर उनको देख सकते हो। दोस्तों फिर देखते कि लौह अयस्क राजस्थान में खनिज में लौह अयस्क यानी क्या होता है, उसका कहाँ पर सर्वाधिक लौह अयस्क। तो देखिए, सर्वाधिक दोस्तों जयपुर मोरिजा बानोला और नीमला रायसेला दोसा डाबला सिंगाना झुंझुनू। दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा, डाबला सिंगाना झुंझुनू में भी लौह अयस्क मिलता है। नाथरा की पोल थुर हुंडेर उदयपुर, यहाँ पर लौह अयस्क के खनिज मिलता है। और विवरण दोस्तों इस प्रकार देखिए, आपको जलज व आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जो भी ये दोस्तों प्राप्त होता है वो जलज व आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर देखिए, राज्य में मुख्यतः हेमेटाइट व लिमोनाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है। राजस्थान में दोस्तों जो भी मुख्यतः हेमेटाइट व लिमोनाइट, इस प्रकार दो किस्म के लौह अयस्क प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सीसा जस्ता लीड जिन में क्या होता है, देखिए सीसा जस्ता सर्वाधिक दोस्तों उसका मिलता है ये उदयपुर जावर, उदयपुर में जो है दोस्तों जावर देबारी मोचिया मगरा राजसमंद दोस्तों आपको मिलेगा ये राजपुरा दरीबा, और भीलवाड़ा में दोस्तों आपको मिलेगा रामपुरा आगूचा, और सवाई माधोपुर में आपको मिलेगा चौथ खा बरवाड़ा, और कायड खान अजमेर में सीसा जस्ता आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जस्ते के दोस्तों जो भी अयस्क हैं वो कौन से हैं, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जस्ते के अयस्क बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा केलेमिन विलेमाइट सीसे के अयस्क दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है गेलेना है। तो निश्चित तौर पर सीसे जस्ते के अयस्क हैं वो है इन प्रकार दो, कैलेमिन और विलेमाइट, और सीसे के अयस्क हैं वो है गैलेना। और दोस्तों, जस्ता गलाने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के देबारी उदयपुर दरीबा राजसमंद एवं चंदेर चित्तौड़गढ़ में जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा, जो भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैं उनके कहाँ कहाँ पर जस्ता गलाने के प्लांट स्थापित है, निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। और फिर है रामपुरा आगूचा खान सीसे जस्ते की विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। दोस्तों, ये ध्यान इम्पोर्टेंट बात है, रामपुरा आगूचा खान है ना, वो सीसे जस्ते की विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। और दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान में सीसा जस्ता की निम्न खाने हैं, जो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कौन कौन सी खाने राजस्थान में हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान में कौन सी खान नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी है, तो निश्चित तौर पर आप उसका उत्तर भली भांति रूप से दे पाएंगे। फिर देखते हैं कि कौन कौन सी है, रामपुरा आगूचा खान भीलवाड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रामपुरा आगूचा खान भीलवाड़ा, सिंधेसर खुर्द खान राजसमंद, और उसके बाद में दोस्तों है जावर खान समूह उदयपुर, और उसके बाद में देखते हैं कि राजपुरा दरीबा खान राजसमंद,
और कायड खान अजमेर, यह भूमिगत खान है दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कायड खान अजमेर में ना वो भूमिगत खान है, और बामनिया कला खान। इस प्रकार ये छः हमारी जी दोस्तों थी ना वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान में शीशस्ता की खाने रही है। दोस्तों करूंगा एक गुजारिश, हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो पास में घंटी का साइन लगा उसको क्लिक कीजिएगा ताकि हम जो भी अपलोड वीडियो करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और निश्चित तौर पर हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो दोस्तों। और दोस्तों एक थोड़ा एक काम कर दीजिएगा, आप अपने एक फ्रेंड्स को तो कंटिन्यू इस स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, निश्चित तौर पर उससे हमें एक मोटिवेट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को भी फ़ायदा मिलेगा, जो भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है निश्चित तौर पर हाँ, या हम एकदम अप टू डेट जो भी आपको अभ्यर्थी को फ़ायदा मिल सके ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा दोस्तों, और कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही रहेगा। निश्चित तौर पर हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा, और जो हमारी अभी संस्कृत की सीरीज चल रही है निश्चित तौर पर आपको अगर संस्कृत लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही है तो वो देखिए, अगर लैंग्वेज के हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हमने वीडियो बेसिक उसका करवा रखा है वो देख सकते हैं, और आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र में कोई भी दिक्कत आ रही है तो निश्चित तौर पर वो देखिएगा, और दो डिग्री के बारे में कोई भी आपको डाउट है अगर आप कर रहे हैं एमए कर रहे हैं बीएड कर रहे हैं एमए के साथ बीएड कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, निश्चित तौर पर यूजीसी की गाइडलाइन क्या है उसके आधार पर भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और स्पष्ट रूप से दोस्तों ऐसा नहीं कि फालतू का, एकदम एग्जैक्ट हमने विद प्रूफ दिया है कि कौन कौन से कोर्स आपको करने वैलिड हैं और कौन कौन से कोर्स आप नहीं कर सकते, उसकी क्या क्या गाइडलाइन होगी, कौन कौन से डिस्टेंस मोड पर कोर्स एकदम अवेलेबल है, कौन से सही है कौन से नहीं है, इस प्रकार आप हमारे दोस्तों देख सकते हो हमारे पूर्व की वीडियो, निश्चित तौर पर आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद जय भारत।